तो BTS आर्मी इस तरह का दिन शायद ही फैंडम में किसी ने देखा होगा। हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, फैंस का रो रो कर बुरा हाल है। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि BTS का वो मेंबर जिसने BTS को यहाँ तक पहुँचाया अपनी रैप से, अपनी प्रोड्यूसिंग स्किल से, वो BTS को छोड़ देगा, और BTS भी जिसकी वजह से शायद अपना कमबैक ना कर पाए जो उन्होंने 2025 में प्लान किया था, और शुगा को जेल हो जाएगी। शायद वो काफ़ी टाइम जेल में बिताएं, जिसके बाद वो खुद ही BTS से रिज़ाइन दे सकते हैं, BTS को छोड़ सकते हैं। इन सभी रूमर्स ने फैंस का बुरा हाल किया हुआ है और सभी इंतजार कर रहे थे कि बिगिट का इस पर क्या कहना है। तो फाइनली स्पोर्ट चोसुन की एक रिपोर्ट ने बिगिट के एक इंसाइडर की इंफॉर्मेशन डिटेल बताई है कि आखिरकार इस केस को लेकर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और क्या शुगा के जेल जाने वाली BTS को छोड़ने वाली खबर सच्ची है कि नहीं। तो आर्मी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि शुगा BTS को नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह की बात अभी तक बिगिट ने टेबल पर नहीं रखी है। हालांकि ये बात सच है कि शुगा को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने शुगा को सोल के पुलिस थाने में बुलाया है, जहां इस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी कि शुगा ने ट्यूसडे के दिन जब ये एक्सीडेंट हुआ तो कितनी शराब पी हुई थी, उनके अल्कोहल लेवल क्या थे। रूल तोड़ने की वजह से उनका लाइसेंस रिवोक किया जाएगा और शुगा का पास्ट रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है कि उन्होंने पास्ट में इस तरह की हरकत की है कि नहीं। लेकिन शुगा को जेल होगी, वो BTS को छोड़ देंगे, इस तरह की बात ना तो कंपनी ने ना पुलिस वालों ने कही है। बाकी रही बात की शुगा के छोड़ने की वजह से, इस पूरे केस की वजह से BTS का कमबैक डिले हो जाएगा, वो 2025 में नहीं आएंगे। इसे लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि BTS का कमबैक नहीं टाला जा सकता, वो 2025 में ही होगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी BTS के कमबैक के लिए 2025 में बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, तो वो इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते। रही बात शुगा की, तो माना जा रहा है ये केस जल्द ही सॉल्व हो जाएगा और शुगा वापस आ जाएंगे। तो आप लोगों को परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिंगर्स क्रॉस रखो, प्रे करो कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाए। बाकी आप लोगों को पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।